हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर मैं आप सबको क्या बताने वाली हूँ, मैं आप सबको क्लास सिक्स सिविक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है पंचायती राज, उसके आपको सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आपके क्लास सिक्स सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 5 है, ओके, पंचायती राज। तो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट प्रॉब्लम्स डिड पीपल ऑफ हरदास विलेज फेस एंड वॉट दे डू टू सॉल्व इट। पीपल को क्या प्रॉब्लम हो रही थी और उसे सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने क्या करा। जो हरदास विलेज के पीपल्स थे उनको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो रही थी और उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान लगाया। क्या करा, वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान जो था उसको लगाया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, यू कैन सी फ्रॉम द बुक। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इन योर ओपिनियन इज इट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ग्राम सभा। डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग, वाई। ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस है। जो ग्राम सभा है वो एक जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पंचायत को भी इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा की वजह से जो ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होती है उनका जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है। हर मेंबर जो है उसको ग्राम सभा मीटिंग अटेंड करनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सरपंच या फिर पंच के साथ शेयर कर सके और जो उसकी प्रॉब्लम है उनका सलूशन निकाल सके, और इससे लोगों को पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट उन्होंने चूज करी है वो कैसे काम कर रही है। तो ये था आपकी ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस। लेट्स मूव टू योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, लिंक क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, लिंक है इनके बीच में कि जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। एक ये लिंक है। इसके साथ आप दो लिंक और लिख सकते हैं, इतने नेसेसरी नहीं है ये लिखने। ये है कि जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है, तो एक ये लिंक हो गया, और जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा को आंसरेबल होते हैं, तो आपका एक ये लिंक हो गया। लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, हम पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि आपको एक एग्जांपल लेना है एक टास्क का जो आपकी गांव की गवर्नमेंट ने करा है, और आप बताइए कि गवर्नमेंट ने टास्क क्यों करा, पैसे कहां से आए और क्या काम हो गया है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी पंचायत ने रोड बनाई है। तो हमारी पंचायत ने रोड क्यों बनाई। हमारी पंचायत ने रोड इसलिए बनाई है ताकि जो पीपल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकें, और रेनी सीजन में जो मच्छर हैं वे ना जन्मे, क्योंकि रोड बनेगी तो गड्ढे भर जाएंगे और मच्छर नहीं जन्मेंगे। अब जो मनी है ये काम करने के लिए ये टैक्सेस से आई है और गवर्नमेंट ने दी है और फंड से आई है मनी। और थर्ड, आपका काम हो गया। अगर हो गया है तो आप यस लिख सकते हैं और नहीं हुआ तो आप नो लिख सकते हैं, दैट्स अपॉन योर विश। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव था कि डिफरेंस क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के नीचे होती है। ग्राम पंचायत के मेंबर जो होते हैं वो ग्राम सभा को आंसरेबल होते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सरपंच को इलेक्ट करती है। ग्राम सभा अपनी एक आंख रखती है ग्राम पंचायत पर। ग्राम सभा टेम्प्रेरी है और जबकि जो ग्राम पंचायत है वो परमानेंट है। ग्राम सभा चेंज होती रहती है बट ग्राम पंचायत 5 साल में सिर्फ एक बार चेंज होती है। लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको एक फॉलोइंग आइटम दिया और न्यूज पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें एक निमोन नाम का विलेज है छपरोला सीरपुर रोड पे। बहुत सारे विलेज की तरह इस विलेज में भी वाटर शॉर्टेज है। तो क्या होता था, टैंकर आते थे विलेज में। तो एक भगवान माहेडू लैड जो 35 साल के हैं विलेज के, इनको स्टिक से मारा गया। इनको बहुत पीटा गया। इनको क्यों पीटा गया, क्योंकि क्या होता था, जो टैंकर आते थे उनमें से जो हमारे लोग बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग होते थे वे सारा पानी ले जाते थे और लोअर कास्ट के लोगों को कम पानी मिलता था। तो अब आपको बताना है कि भगवान को क्यों पीटा गया। तो सिंपल लिखा हुआ है, भगवान को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो चाहता था जो वाटर है वो हर इंसान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लोअर कास्ट में भी और अपर कास्ट में भी। बट अपर कास्ट ऐसा नहीं चाहते थे कि वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस वजह से उन्हें भगवान पे गुस्सा आया और उसने उसे पीटा। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। हाँ, ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है। अब कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, अपर कास्ट को ज़्यादा वाटर दे रहे हैं लोअर को कम, तो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो अच्छी कास्ट है उनको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और जो लोअर है उनको बुरा बुरा मिल रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है सेवेंथ क्वेश्चन।
सेवेंथ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको बताना है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और इसके बेनिफिट्स बताने हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, रिचार्ज होता है और जुडिशियस यूज होता है वाटर का। वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं और उसका जुडिशियस यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट है कि ये लैंड को फर्टाइल बनाता है, इससे ट्रीज की ग्रोथ भी होती है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता और वाटर प्रिजर्व भी हो जाता है। सो ये थे आपके क्वेश्चन चैप्टर 5 के। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।